अगर आपको राष्ट्रपति से कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेन करनी है, तो आपको लेटर लिखने की या आपको राष्ट्रपति से जाके मिलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से राष्ट्रपति से कोई भी शिकायत, कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास ही पावर्स होती है, जैसे कोई भी पर्सन को कोर्ट फांसी की सज़ा दे देती है तो राष्ट्रपति को ये पावर होती है कि उसकी सज़ा को कम करवा सकता है और उसकी सज़ा को माफ भी करवा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 72 के तहत राष्ट्रपति को ये पावर होता है कि वो किसी भी पर्सन की सज़ा को माफ़ करवा सकता है जिसको फांसी की सज़ा हो गई है। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आज आपको डिटेल से बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप ऑनलाइन राष्ट्रपति को कोई भी कंप्लेन और कोई भी शिकायत कैसे करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। Shut up and sit down. आपको अपने मोबाइल में या लैपटॉप में कोई भी ब्राउज़र में आपको एक URL टाइपिंग करना होगा, helpline.rba.nic.in। तो आपके सामने कुछ इस तरीके से ये पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। इस पोर्टल को पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में शुरू किया था। इससे पहले राष्ट्रपति को जो भी कंप्लेंट भेजी जाती थी वो बाय पोस्ट ही भेजी जाती थी, लेकिन अब आप इस पोर्टल से अपने मोबाइल फ़ोन से, लैपटॉप से राष्ट्रपति से कोई भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं या राष्ट्रपति को कोई भी कंप्लेंट भी भेज सकते हैं। ये वेबसाइट काफ़ी सिंपल है, इसको आप इंग्लिश और हिंदी दो तरीक़े से आप इसको यूज कर सकते हैं और इसमें सिर्फ तीन ऑप्शन दिए गए हैं, रिक्वेस्ट और कंप्लेंट करना, स्टेटस देखना और फॉरगेटिंग पासवर्ड का ये ऑप्शन दिया गया है। अगर अपने एप्लीकेशन का जो पासवर्ड भूल जाते हैं तो अपने एप्लीकेशन के पासवर्ड को फॉरगेट करना। तो यहाँ पे आप कोई भी रिक्वेस्ट या कंप्लेन करने के लिए लॉज ए रिक्वेस्ट पे ओके करेंगे, आपके सामने ये फॉर्म आ जाएगा। ये फॉर्म को आप फिलअप करेंगे और सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना नाम डाल देना है। यहाँ पे आपका जो पासवर्ड है वो कम से कम 6 करेक्टर का होना चाहिए और पासवर्ड कैसा होना चाहिए, जैसे मेरा नाम है इंजीनियर राजा तो शुरू का कैपिटल अक्षर, इसके बाद स्मॉल अक्षर, इसके बाद कोई भी स्पेशल करेक्टर, इसके बाद कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड को आपको दोबारा से यहाँ कन्फर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ से देख रहे हैं कि आपका जो एड्रेस है वो एड्रेस को आपको यहाँ पर टाइपिंग कर देना है। इसका जो अपने एरिया का पिन कोड है वो आपको यहाँ डाल देना है। यह कंट्री ऑलरेडी यहाँ पे आ ही चुका है। इसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे अपने स्टेट चूज कर लेना, जो भी स्टेट से हैं तो आपको यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है कि आप जो भी स्टेट से हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल देना है। यहाँ पे अगर मोबाइल नंबर है तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर टाइपिंग कर देना है। ये जो ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी आप जो है उसको आपको ईमेल आईडी इसमें डाल देना है। तो यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है अलर्ट के लिए, जो भी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस रहेगा वो आपको ईमेल आईडी पे सेंड किया जाएगा। इसके बाद यहाँ नीचे अपना रिक्वेस्ट या कंप्लेन जो भी अपने राष्ट्रपति को करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे टाइपिंग कर दीजिएगा, या अगर कहीं से आप टाइपिंग करके रखे हुए हैं तो यहाँ पे ला के आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कहीं पे कॉपी किए रखे हुए हैं तो उसको यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कीजिएगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर देख रहे हैं कि 4000 करेक्टर का आपका होना चाहिए। और इसमें एक खास बात है जिसको ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर देख रहे हैं जो स्पेशल करेक्टर है वो स्पेशल करेक्टर जो अभी टाइपिंग कीजिएगा उसमें यह स्पेशल करेक्टर आपका यूज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये फॉर्म आपका सबमिट नहीं हो पाएगा। तो प्लीज़ भाई लोग, आप लोग थोड़ा ध्यान देना, अगर आप टाइपिंग कर रहे हो तो ये स्पेशल करेक्टर को प्लीज़ आप उसमें टाइपिंग में ऐड नहीं करना, नहीं तो आपका ये जो है एप्लीकेशन वो सबमिट नहीं हो पाएगा। तो इस बात को थोड़ा जरा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आपने कोई भी कंप्लेन या कोई भी जो आप राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप वो कहीं पर टाइपिंग करके रखे हुए हैं तो उसको आप PDF फाइल में यहाँ पे अटैच कर भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ चूज फाइल पे ओके करना है और जहाँ भी रखे हुए हैं उस फाइल को सिंपली से सेलेक्ट करके यहाँ पर ओपन कर देना है। यहाँ ओपन करते ही देखिए यहाँ पर ये आपका जो फाइल है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है। आपका फाइल का साइज ये देख रहे हैं कि मैक्सिमम 4 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पे टाइपिंग करना है, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही आपको यहाँ पे टाइपिंग करना है। टाइपिंग करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे जाके सबमिट कर देना है।
इसके बाद देख लीजिए कि आपका एप्लीकेशन सभी सही से फिलअप है, अगर नहीं है तो एक बार चेक कर लिए। चेक करने के बाद सिंपली आपको यहाँ सबमिट कर देना है। जैसे सबमिट कीजिएगा तो आपका जो रिक्वेस्ट है या आपको जो भी एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएगी। और यहाँ पे आपका देख रहे हैं कि आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे दे दिया गया है। तो इस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ से देखें प्रिंट भी निकाल सकते हैं, व्यू गेम पर इसको आपको देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रिंट के लिए सिंपली इस पे ओके करेंगे, यहाँ पे आपको एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जिसके लिए मैं देख रहा हूँ, मैं यहाँ बहुत छोटा सा टाइपिंग किया हूँ तो वो यहाँ पे शो कर रहा है। इसका यहाँ पे आपका प्रिंट नंबर आ चुका है, तो मैं बहुत कम टाइपिंग किया था तो वो इस तरीके से शो हो रहा है। अगर आप जितना भी टाइपिंग करेंगे तो वो आपका इस टोटल में आपका ये जो है यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से आप प्रिंट पे ओके करके इसको आप प्रिंट कर सकते हैं या इसको आप पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको पीडीएफ में यहाँ से प्रिंट कर लेता हूँ और मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। तो सिंपली मैं पीडीएफ को यहाँ से पाथ सेलेक्ट कर हो चुका है, मैं यहाँ पर डाल देता हूँ पी। तो मैं यहाँ से प्रेसिडेंट क्लेम पर पाथ डाल के मैं सिंपली इसको सेव कर लेता हूँ। इसके बाद कभी भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पर आना है और यहाँ पर देख रहे हैं कि व्यू स्टेटस, आपको सिंपली इस पर ओके कर देना है। जैसे ओके कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरीके से ये जो आपका पेज है ओपन होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। जो भी पासवर्ड आपने चूज किया था वो पासवर्ड को आपको यहाँ पे टाइपिंग कर देना है। और ये कैप्चा है एज ए टीज, जैसे कैप्चा आपको ऐसे टाइपिंग यहाँ पे करके यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे आपका स्टेटस आ गया है और यहाँ बताया जा रहा है कि आपकी रिक्वेस्ट या शिकायत को वहाँ दर्ज कर लिया गया है और अभी ये एग्जामिनेशन के अंडर है। मतलब कि पहले ये चेक किया जाएगा कि जो आपने रिक्वेस्ट की है या आपने जो शिकायत की है वो वैलिड भी है या नहीं। और यहाँ पे देखिए टाइम दिया गया है कि आपके जो कंप्लेन है, जो भी शिकायत है, वो 7 दिन के अंदर अंदर में एक्शन ज़रूर लिया जाएगा। और साथ ही आप यहीं से इसका स्टेटस भी प्रिंट भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको यहाँ प्रिंट पे जाना है और प्रिंट पे जाके ओके कर देना है। सो यहाँ से आप कोई भी कंप्लेन या कोई भी रिक्वेस्ट राष्ट्रपति से कर सकते हैं। अगर आप हिंदी में यूज करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे हिंदी पे ओके करेंगे और पूरी वेबसाइट ये हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी जो आपके सामने है, जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो कोई भी कंप्लेन या कोई भी रिक्वेस्ट करने के लिए अनुरोध पर दर्ज करेंगे और आपके सामने ये पूरी पेज ये ओपन हो के आ जाएगी हिंदी में, जिसको आप बहुत आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो और इसको बहुत ही सावधानी और आसानी से आप इसको फिलअप भी कर सकते हो। इस पोर्टल से जो भी आप रिक्वेस्ट या कंप्लेन करते हैं वो राष्ट्रपति के सचिवालय में जाती है और वहाँ से इसको रिलेटेड डिपार्टमेंट में सेंड की जाती है। इसीलिए इस पोर्टल पर आपको जो भी कंप्लेन करे पूरी डिटेल में करनी चाहिए। जितनी डिटेल में आपकी रिक्वेस्ट जो भी कंप्लेन है जितनी ज़्यादा होगी उस पर एक्शन लिए जाने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और उस पर एक्शन भी बहुत जल्दी लिया जाता है। इस पोर्टल से जो भी कंप्लेन या जो भी रिक्वेस्ट है उसको एक्शन लिए जाने का मैक्सिमम 7 डेज है। 7 डेज में आपका जो भी एक्शन है उसका रिपोर्ट आपको मिल जाता है। हालांकि इसमें जो रिक्वेस्ट है, जो भी कंप्लेन है ज़्यादा होने से इसमें कुछ ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। सो आई होप कि अब तो आप समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति से कोई भी शिकायत या कोई भी कंप्लेन कैसे की जाती है। आप जो भी कंप्लेन जो भी शिकायत करते हैं वो राष्ट्रपति के सचिवालय में जाती है और वहां से रिलेटिव डिपार्टमेंट में सेंड कर दी जाती है। आप राष्ट्रपति से जो भी शिकायत जो भी कंप्लेन जो कर रहे हैं वो डिटेल में कीजिए। डिटेल में करने से ये होता है कि जो ये आपके अप्रूव होने की चांस जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप जो भी कंप्लेन जो भी शिकायत कीजिए वो थोड़ा डिटेल में कीजिए, थोड़ा बढ़िया से कीजिए ताकि आपका जो कंप्लेन है वो अप्रूव हो जाए। सो गाइस आपने जाना कि किस तरीके से हम राष्ट्रपति से ऑनलाइन कोई भी कंप्लेन कोई भी शिकायत कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।